अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल और अपने एक और ब्लॉग में आपको खुश आमदीद करते हैं। आज की हमारी मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग वेदर अपडेट्स आज की बड़ी बेहतरीन है और अच्छा मौसम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। दिन में थोड़ा बहुत सही है, सुबह अर्ली सुबह अच्छा होता है और लेट नाइट भी अच्छा होता है। बाकी जो है ओवरऑल मौसम से ही बेहतर हो गया। तो अभी बस उठ गए हैं, रेडी शेडी हो गए हैं और ऑलमोस्ट अभी 8:40 हो गए हैं और ऑफिस के लिए हमने निकलना है। डायरेक्ट पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकलते हैं। मीनवाइल अपनी कैब वगैरह बुक कर लेते हैं, बाइक भी लेनी है अभी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो है ना इसमें पैसे लग रहे हैं। इधर कहीं जाना हो तो फिर कोई राइड शेयर बुक करनी होती है तो बड़ा वो इशू हो रहा है। तो अभी उसके लिए बाइक भी मीनवाइल देख रहे हैं, लेट्स सी। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट ऑफिस और फिर आपसे डायरेक्ट ऑफिस में मिलते हैं, तो हमारे साथ ही रहिए। सो जी, अभी हम जा रहे हैं बैरिया हॉस्पिटल और मौसम अगेन जो है मतलब बारिश शुरू हो गई थी, अब जाके रुकी है और मतलब हर थोड़ी देर बाद बारिश हो ही रही है। तो अभी फ़िलहाल हमारा यही प्लान है कि जी हम कोशिश करेंगे कि एज़ सून एज़ पॉसिबल आज बैरिया से होकर आ जाएँ। कुछ अर्जेंट काम है, वहाँ पर जाना भी ज़रूरी था और ये है कि लेट्स सी, अभी चलते हैं बैरिया हॉस्पिटल। बस दुआ ये कि जी कहीं हमें बारिश ना मिले रास्ते में, क्योंकि बारिश हो जाती है तो फिर बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब रोड्स वगैरह की कंडीशंस ख़राब हो जाती हैं। तो अभी चलते हैं बहरहाल बैरिया हॉस्पिटल ही और फिर वहाँ पहुँच के आपसे मुलाकात करते हैं, हमारे साथ ही रहिए। अभी हम पहुंच गए हैं आपका बैरिया हॉस्पिटल और ये इसका सारा बैक साइड है बैरिया हॉस्पिटल का। ये बैक गेट लगता है क्योंकि पार्किंग वगैरह इनकी सारी यहीं पर ही है। और अभी जो है अपना बाबर जो है वो बाइक पार्क करने के लिए गया। यार आज मौसम जो है ना बहुत बेहतरीन है, मतलब जो प्रॉपर अभी तो फिर भी थोड़ा सा हल्की सी धूप सी हो गई है, लेकिन सुबह 6 बजे से जो वेदर हो रहा है ना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि प्रॉपर जो विंटर वाइब्स होती है ना वो है प्रॉपर ना, कि बंदा बस एक कॉफ़ी शॉफ़ी इंजॉय करे, वो वेदर हो रहा है अभी। तो अभी चलते हैं अंदर। ऑलमोस्ट यहाँ पर हमारा तकरीबन स्टॉक का फॉलोअप लेना है, लेकिन काम तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का है। लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है। तो अभी चलते हैं अपना अंदर और फिर आपसे जो है यहाँ से फ्री होने के बाद मुलाकात करते हैं। तो हमारे साथ ही रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में इंशाल्लाह। तो जी ऑलमोस्ट यहाँ से अभी हम हो गए हैं फ्री और तकरीबन हमारा यहाँ पर मेरा ख़्याल है कोई ऑलमोस्ट आधा घंटा पौना घंटा लगे। तो अभी बस जो है वापस हम जा रहे हैं टूवर्ड्स ऑफिस। रास्ते में जो है एक दो काम है वो भी करने, तो फिर मिलते हैं आपसे डायरेक्ट ऑफिस के अंदर ही। तो हमारे साथ ही रहिए, बस उम्मीद है कि अल्लाह करे बारिश ना हो क्योंकि मौसम तो बिल्कुल बारिश वाला बना हुआ ही है। सुबह से हो रही थी फिर रुक गई और अभी भी जो है ना मौसम ऐसा ही चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। सो जी अभी आए हुए थे हम PTCL के ऑफिस। बेसिकली इन लोगों ने मर्ज कर दिया है, तो PTCL और यूफोन दोनों आप एक ही जगह पे जो है ना। बेसिकली मुझे काम था यूफोन के ऑफिस में, अभी यहाँ से फ्री हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काम भी हो गया है। और बारिश जो है जी हल्की हल्की शुरू हो गई है, जैसे अगर आपको इसमें नज़र आ रहा है। और अभी अल्लाह करे बस तेज़ ना हो, हम घर पहुँच जाए। वैसे तो हम नियर ही हैं अपने घर के और लेट्स सी। तो अभी चलते हैं और फिर आपसे जो है मुलाकात करते हैं डायरेक्ट घर पहुँच कर ही, ऑफिस पहुँच कर ही। तो हमारे साथ ही रहिए। तो जी अभी जा रहे हैं जोहर की नमाज़ पढ़ने के लिए और मौसम अभी ऐसा हो रहा है ना बेहतरीन किस्म का, मतलब इस मौसम में अगर डोडो के हाथ की कॉफ़ी हो जाए ना तो क्या ही बात है।
दो जो है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, लेकिन वो हैं कराची में। अगर वो यहाँ होते तो फिर हम उनको अभी बुला लेते। बहरहाल अभी जा रहे हैं नमाज़ नमाज़ पढ़ने, और उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद कोई लंच वंच का सीन करते हैं, देखते हैं आज खाने का क्या सीन है, क्योंकि आज सब कोई भी वर्किंग प्लेसेस गया नहीं है, मैं ही गया था तो आ गया वापस, और मौसम बेहतरीन हो रहा है। बस अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपसे मुलाकात करते हैं लंच में, हमारे साथ ही रहिए। अब अगर आप देंगे आप ता तो बोलेंगे जवाब इसका, अगर आप इसका टूटा फूटा से भी दे देंगे तो आपके ख्याल में क्या है, एनरिज्म क्या है आपके ख्याल में, आप बता दें। आप मुझे तो स्ट्रेट अवे मना कर दिया, मुझे नहीं आएगी, वो भाई चुप्पी हो गया कि उन की करना है बड़ा पर आप भी हो चीजें जब चीजें रिलेट होंगी ना तो फिर पता चलेगा हमें असल क्लैरिफिकेशन क्या है। सूडो एनालिज्म और कैल्सिफाइड लेयर में क्या फर्क है? मुझे नहीं पता कैल्सिफाइड लेजेंड का सर, एनीवन एल्स? कैल्सिफाइड लेजेंड जिसमें कैल्शियम मिनरल के वो तस्वीर में आ रहे हैं, तस्वीर में जाते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, कॉन्सेप्ट क्लियर है कि व्हाट इज कैल्सिफाइड लेजेंड। सिंपल, कैल्सिफाइड कैल्सिफिकेशन कम्स फ्रॉम कैल्शियम, तो जहां पे भी कैल्शियम की डिपोजिशन होगी That is called calcified. Lesion का क्या मतलब है? इंजरी, और उस इंजरी को उस जगह के ऊपर आके थ्रोम्बस बना के उसको रोक देना, और उसके बाद उसकी फ्रेंडली एनवायरनमेंट इज नोन एज कैल्सिफाइड। मैं ना स्टेप बाय स्टेप चलेंगे ना फिर चीजें समझ आती है। ये है एनोरिज्म, जो कि आर्टरी या वेन ऐसे वी शेप हो गया ना, वी शेप हो गया ना, बैलून की तरह हो गया, ये इस तरह हो गया ना, एक साइड से फूल जाए या दोनों साइड से फूल जाए, दैट इज कॉल्ड एनोरिज्म। थैंक यू। देयर आर कॉन्सेप्ट टू बी ज्यादा है, ये पूरी बॉडी में भी जहां पर भी हो सकती है। अच्छा, अब कैल्सिफाइड लेजन क्या होगा? ये एनोरिज्म बाहर की तरफ फूल गया ना, कैल्सिफाइड लेजन इस तरह होना शुरू हो जाएगा, अंदर होगा, अंदर होगा, आर्टरी जाना नैरो होगी, नैरिंग योर आर्टरी आउटर साइड होगा। जो कैल्सिफाइड लेजन है वो बेसिकली इनर वॉल ऑफ द आर्टरी को टारगेट करेगा।